अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूं अबू बकर। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद है राना अदनान मुदस्सर साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से सर, बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम दिया है और मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इस टाइम हम बैठे हुए हैं बैरिया हाइट्स की लोकेशन पे, जो मेन एंट्रेंस है, जो पार्क है बना हुआ बैरिया की तरफ से, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। आज हम इनसे बैरिया हाइट्स के बारे में, ओवरऑल यहाँ बैरिया टाउन में जो रेडी अपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी प्राइसेस किस तरह से चल रही हैं और आने वाला टाइम जो है ये अपार्टमेंट्स का, क्या ये बैरिया और भी आगे के लॉन्च करेगा या इंस्टॉलमेंट के ऊपर अभी तक कौन से हैं और फुल पेमेंट के ऊपर कौन से हैं। राना साहब, इस चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी काइंडली डालिएगा अपार्टमेंट्स के हवाले से। जी, अब भाई आपने काफ़ी समझ लें कि वाइड रेंज क्वेश्चन पूछ लिया, तो जिसके जवाब में मुझे डिफरेंट सेगमेंट्स में आंसर करना पड़ेगा। जी जी। सबसे पहले आपका सवाल कि बैरिया हाइट्स का ये प्रोजेक्ट कैसा जो भी नज़र आ रहा है, ये ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। और असल पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर जगह रहती है, और जब आप लार्जर स्केल पे कोई बड़े काम करते हैं तो नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ती है। अब बैरिया हाइट्स के इस प्रोजेक्ट के बारे में, खासकर बैरिया टाउन के अंदर डिले फैक्टर आया और फिर लोगों ने कमेंट किया कि अच्छा इसकी कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी या मतलब ये इसका पोजीशन जल्दी नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बैठे हैं लोग स्क्रीन को खुद देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। खासकर हमारे वीडियोस आपको पता है कि ओवरसीज कस्टमर्स के लिए होती हैं या उन लोगों के लिए जो फ्रीक्वेंट यहाँ विजिट नहीं कर सकते, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट तो की है लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं होते, तो वो देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारा टावर ए है या एच है या जितने भी टावर्स हैं ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से रेडी है। इसमें मैंने ये भी मेंशन किया कि जो लिफ्ट्स लगी हुई है ना एलिवेटर, उसका टेस्ट रन भी हो चुका है जी। और ग्राउंड फ्लोर पे ये जो शॉप्स हैं इसके साइज आप मेंशन कर दें कि साइज एग्जैक्ट क्या क्या है यहाँ पे। इसमें देखें तीन तरह के इन्होंने साइज दिए हैं, जिसमें 250 स्क्वायर फीट का साइज है, 350 स्क्वायर फीट का साइज है शॉप का, और 400 स्क्वायर फीट का भी है। अच्छा, ये जो शॉप्स के साइज है ना अबू बकर, इन शॉप्स पे डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट चीजें चल रही है, लेकिन इन अपार्टमेंट्स को यूनिक बनाने वाली चीज मैं समझता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे इन शॉप्स का होना है। ये शॉप्स आप देखते हैं कि ये आउटर इनर दो तरह की आ रही है जी जी। और आउटर से मुराद ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्डिंग के अंदर इन साइड पे शॉप्स आ रही हैं, ये शॉप्स मतलब बाहर के व्यू से मिल रही हैं। पार्किंग बड़ी जबरदस्त है, इतनी पार्किंग मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी प्रोजेक्ट के अंदर होगी। और बैरिया टाउन ने मतलब स्टेटिस्टिकल डेटा के मुताबिक एक सर्वे हमने किया था, तो बैरिया ने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे पार्किंग दी है, इतना अच्छा खुला ये स्पेस दिया है और एक अच्छा जबरदस्त ये जो लाइफस्टाइल यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बैरिया टाउन के अंदर जो बिजीएस्ट और एक आइडियल लिविंग कंपाउंड होगा वो बैरिया हाइट्स ही होगा। जैसे अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं इसके पोजीशन के हवाले से कि 10A के अंदर बैरिया ने पोजीशन दे दिया है, वॉकिंग डिस्टेंस पे विलाज हैं, बिल्कुल है। और यहाँ पे लोगों को आने में या रहने में किसी तरह की कोई परेशानी जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि ये दूर दराज कोई प्रोजेक्ट है, इसकी सराउंडिंग में सारी प्राइम चीजें हैं, प्राइम लोकेशन बन रही है। एक तरफ मिडवे आ रहा है, बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट है, हेड ऑफिस भी है जी। और मस्जिद सर्वर से लेके फिर प्रिसिंक 10A में शॉपिंग गैलरी, पार्क्स, मसाजिद, मेडिकल सेंटर्स और फिर अली ब्लॉक की आबादी है कितनी बड़ी, मतलब इसकी सराउंडिंग ग्रैंड मस्जिद बैरिया मतलब जो जिना एवेन्यू का अच्छी एक्सेस अप्रोच, फिर इन साइड अगर हेड ऑफिस से आप आ रहे हैं तो मलिक स्क्वायर और ये जो आपको अशर फाउंटेन वाला एरिया मिलता है जी जी। ये इतनी जबरदस्त चीज है, मेरा ख्याल है ये सेंटर में बनता है। और आज कीमतों पे अगर खास बात करें वो अगर आप एक अंदाजे के मुताबिक बताएं कि अभी हमें रफली टावर ए और एच में खास कर हमें एक अपार्टमेंट कितनी प्राइस में मिल जाएगा? अगर तो आउटर की बात कर रहे हैं तो आउटर हमें 110, 115 या 120 तक जो है इसका रेट चला गया, हमें नहीं मिलता। इनर अब थोड़ी सी एक चीज पे आपने रोशनी डालनी है लेआउट के बारे में, कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट है इनर और आउटर के बारे में। एक अपार्टमेंट का इनर वो है जो अपार्टमेंट वाली साइड पार्क के अंदर है। अच्छा, उसको इनर नहीं कहेंगे हम? अच्छा, ये तो मैं इसमें क्लियर हूं ना कि वो एक सर्कल की तरह की चीज है, ठीक है। सर्कल के जो आउटर साइड पे आ रहे हैं अपार्टमेंट उनको हम लोग आउटर ही कंसिडर करेंगे, उसकी हाँ ये कह सकते हैं कि इसका व्यू समटाइम आपको ग्रैंड मस्जिद की तरफ मिल रहा है, समटाइम आपको प्रिसिंग 7 की तरफ मिल रहा है, मतलब हर तरफ से उसका व्यू अच्छा है, समटाइम आपको कंपाउंड की तरफ उसका व्यू मिल रहा है। तो आपने उसको इनर नहीं कहना, वो आउटर ही है, लेकिन जो इनर है इनर तो इटसेल्फ एक अंदर पार्क छोटा सा बना हुआ है जो इसके बीच वाली साइड में आ रहा है, बीच वाली साइड वो उस साइड पे पार्क भी बना दिया है, ठीक है। वो भी अगर आप कहें तो भी कैप्चर करेंगे कुछ वहां पे भी जाके। अच्छा, वो अंदर से ना टूर्स भी दे दीजिएगा अपार्टमेंट का, ताकि अंदर से 2 बेड 1150 या 1100 स्क्वायर फीट का वो साइज कैसा लगेगा, स्टोर रूम है या नहीं, किचन और ये सारी चीजें ये भी हमें दिखाना पड़ता है वो मॉडल की वीडियो। अच्छा, ये तो बैरिया हाइट्स के बारे में सारी चीज है कि बैरिया हाइट्स कैसा रहेगा।
आज कीमतें, अच्छा जो इनर है ना, इनर की आपने कीमत नहीं बताई। इनर की कीमत के हवाले से भी, क्योंकि उसकी क्वेरीज बहुत ज्यादा कम आती है, और उस हवाले से अगर प्राइस की बात करें तो मेरा जो ख्याल है अभी यहाँ पे हमें जो फुल पेमेंट में रेडी टावर जिसमें जो भी आता है वो हमें 90 प्लस माइनस में इनर की कोडिंग मिलती है। अच्छा मैं ये तो हो गई आज की मौजूदा कीमत, मेरा एक इस प्रोजेक्ट को लेके हमेशा से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिली है, ये पॉजिटिव साइंस हैं जिसको मैं अपने कस्टमर के साथ हमेशा शेयर करना पसंद करता हूँ। इनकी कीमतें मुझे नहीं लगता कि जब यहाँ रिहाइश मिलेगी, दो चीज़ों की कंडीशन है जी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनकी कीमतें 1,60,000 या 1,70,000 से नीचे होंगे। अच्छा, दो कंडीशन है, दो कंडीशन ये आप टाइम कब तक देख रहे हैं 1,60,000-1,70,000? अच्छा टाइम में दो कंडीशन बता रहा हूँ, उसमें टाइम का फैक्टर भी है। पहली कंडीशन ये टाइम की है कि बैरियर राउंड टाइमली इसका पोजीशन दे दें, ओके। और दूसरी कंडीशन ये है कि मतलब जो दूसरे इसके सराउंडिंग में 8 टावर्स है ना, ये 8 के 8 टावर्स का पोजीशन मिल जाए, ओके। ये दोनों बस ये फैक्टर्स हैं। अच्छा जैसे अभी ये ट्रांजिशन टाइम है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको याद है कि ये जो प्रेसिंग 10 ए में विलाज है जी जी, जब कीस नहीं मिली थी तो उसके उससे पहले प्राइस क्या थी? अब जबकि यहाँ कीस मिल गई है, लोगों ने रिहाइश कर ली, अब प्राइस तकरीबन 60 से 70 लाख का डिफरेंस हमें देखने को भी मिल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। सेम चीज यहाँ भी मिलेगी, क्योंकि अब इसकी कीमतें बढ़ने के लिए 2-3 फैक्टर्स आ गए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया, 125 गज के प्लॉट भी महंगे हो गए इस बजट में। या तो लोग जो ये कस्टमर है जिसने ये अपार्टमेंट लेना जी, वो अपार्टमेंट की पॉकेट इजाजत देती है कि या तो आप 125 गज का प्लॉट ले लो, ठीक है, या आप एक छोटा सा विला ले लो जो 10B या 11B में मिलता था जी, आज निकल रहा नहीं मिल रहा, वो इस कीमत में मिल ही नहीं रहा, वो 160-170 पे चला गया। अब आपके पास ऑप्शन ही है, और इसके लिए ये ऑप्शन लेके इंतजार करना है। अब ये इंतजार बैरिया आपका मतलब चंद दिनों में, चंद हफ्तों में खत्म कर दे, ये चंद महीनों में चला जाए, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब इस तरह से फिर लोग लिखते हैं कि आपने तो फलां चीज कही थी, जबकि हम चीजों के बारे में ओपिनियन देते हैं, ये आइडिया होता है हमारा। दिसंबर की एक्सपेक्टेशन आ रही है इसके पोजीशन की ना, कि बैरिया दिसंबर में इसका पोजीशन। अच्छा, इससे पहले जून भी आई थी, वो दिसंबर आए या सितंबर आए, इसमें हम मतलब इस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, क्योंकि बैरिया की कुछ चीजों में डिले आता है और ऑब्वियस आता है, लेकिन हमें ये ग्राउंड रियलिटी दिखा के ये बताना है कि ये चीजें इस एनवायरनमेंट में इस तरह से बन गई, और पार्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके मुकाबले में जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसको भी मेरा ख्याल है हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। आप यहाँ पे पैरागॉन और डेस्कॉन की बात करेंगे, सेम कवर्ड एरिया है, सेम उनका स्ट्रक्चर। अच्छा, है पैरागॉन और डेस्कॉन मेरी नजर में बड़ी जबरदस्त ऑप्शन बनती है, ठीक है, क्योंकि पैरागॉन और डेस्कॉन दोनों इस टाइम इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है जी, और सेम यही बैरिया हाइट्स के स्ट्रक्चर है जी। पैरागॉन और डेस्कॉन वालों को बैरिया ने ये दो टावर्स या शायद ज्यादा टावर्स हैं वो उनको हैंडओवर किए थे कि वो लोग अपने एंड पे सेल करेंगे, और कंप्लीशन वगैरह की कमिटमेंट्स तो उनकी सेम है, ओके, ठीक है। तो ये बनाए भी पैरागॉन और डेस्कॉन या और दीगर कंपनीज ने बनाया, लेकिन मतलब इसकी कंप्लीशन बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन वो इसके मुकाबले में अच्छा प्रोजेक्ट इस तरह से है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पे भी है, और आज आपको इस स्टेज पे आपको यानी ग्रे स्ट्रक्चर पूरी बिल्डिंग नजर आ रही है, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर। लोग कहते हैं ना कि हम बिल्डर्स पे कैसे ट्रस्ट करें, हमें हम ये पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, तो चलो भाई उस पे कर लो जो बनी हुई है जी जी, इंस्टॉलमेंट 18-20 लाख, वो तो हमें ग्रे स्ट्रक्चर में नजर आती है। हाँ, डाउन पेमेंट 18-20 लाख रुपए, किस्त कितनी है वो आपके लिए, किस इसकी 2.5 लाख रुपया, 2,10,000 पर मंथ, 2.5-3 साल के पेमेंट प्लान पे आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपका मतलब ये इस पे पॉइंट ये बनता है कि अगर हम इस बैरिया हाइट्स के 8 प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं टावर्स की तरफ, तो ये हमारा रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम इन्वेस्टमेंट पे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करें। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हमारे पास हैं जो आते हैं हाइट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक आम लेमैन कॉमन मैन को भी यहाँ वो करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए, एक छोटी आइटम है, छोटी प्रोडक्ट है, वो आपकी मतलब पेइंग कैपेसिटी के अंदर आती है, तो आपके बजट में आ रही है, आपको करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो अभी लमसम इतनी अमाउंट नहीं दे सकते हाइट्स में, और उनकी ख्वाहिश हाइट्स ये में ही रहने की है। इसका कवर्ड एरिया आप जैसे बता रहे हैं 1150 है, ये आइडियल सिनेरियो है, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ये, और मुझे लगता है कि एक टाइम आएगा कि जब बैरियर टाउन में लोगों को स्क्वायर फीट स्पेस से गर्ज होगा जी, मतलब उनको ये नहीं है कि हमें जमीन ही घर चाहिए या कुछ भी, लोगों को फैसिलिटीज चाहिए। अभी कुछ ने जौहर में या यहाँ पे नाजमाबाद में या कराची के दीगर इलाकों में जहाँ पे ये कंपाउंड बने हुए हैं या बिल्डिंग्स बनी जिसमें अपार्टमेंट है, आज लोग सिर्फ अपनी उस बिल्डिंग के अंदर सेफ फील करते हैं, बाहर निकलते हैं तो आपको आलूदगी, गंदगी, स्ट्रीट क्राइम और पता नहीं कैसी कैसी। और हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, शुक्र है हमारे पास ये चीजें हैं। मिशन 19 के अंदर अपार्टमेंट की अगर आप बात करें सेफ्टी की, जी वो
आज माशाल्लाह जुमे का दिन है और नमाज़े जुमा हमने वहाँ मस्जिद उमर में अदा की है और दिल खुश हुआ है वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को देख के और फिर मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट तो है अल्हम्दुलिल्लाह तो, लेकिन हमें ना लोगों की तादाद जो दिन ब दिन यहाँ बढ़ रही है ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर नजर आ रहा है, लोगों में एक जनरल पब्लिक में बैरियर टाउन की एक्सेप्टेंस नजर आ रही है। सर इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो लोगों की तादाद बढ़ रही है इसमें ज्यादा रेंटल है या जिनकी अपनी प्रॉपर्टी वो शिफ्ट हो रहे हैं या ओवरसीज है, इसमें थोड़ी सी रोशनी? हर तरह के लोग हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है और हर तरह के लोगों को होना भी चाहिए, कोई गर्ज नहीं है कि सिर्फ वही लोग आए जिनकी अपनी ओनरशिप है, रेंट वाले भी आ रहे हैं ओवरसीज लोग, तो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज लोगों के पास ऑल्टरनेट ऑप्शन ही और कोई नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको कराची में भी रहना, तो मेरा ख्याल है कि देयर इज नो अदर चॉइस एज कम्पेयर टू बैरिया के लोगों के पास बैरिया जैसी एक सेफ जगह भी है और एक ऐसा इंटरनेशनल लाइफस्टाइल भी मिल रहा है। दे डोंट फील द मेजर डिफरेंस कि वो कतर में रह रहे हैं, कुवैत में रह रहे हैं, वो यूएई में किसी जगह पर हैं, वो सऊदी अरेबिया में हैं, यानी मिडिल ईस्ट से तो ये चीज़ें बहुत सारी मिलती जुलती नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया है और इन चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस की है। ये हमारे वो वाले सवाल थे कि जो हमें मतलब मिलते थे कॉल पे मोस्टली ओवरसीज की तरफ से, तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर किए। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो मच।